मैं धेय हूँ सधेय हूँ ज्ञेय हूँ मैं ज्ञानी हूँ, बस एक गायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है, जो धाम की आराधना आराधना का सार है। हमारा स्वाध्याय अभी 12 भावनाओं पे चल रहा है, और 12 भावनाओं का क्रमिक विकास किस प्रकार से होता है, ये बात अभी पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से हमारी चल रही थी, जो इसका पहला चैप्टर है 12 भावनाओं का, कि अनुपेक्षा के संबंध में अनुशीलन किया जा रहा है। 12 भावनाओं के बारे में एक एक करके तो बात चलेगी, लेकिन इन 12 भावनाओं का प्रत्येक का स्वरूप तो बाद में आएगा, लेकिन अनुप्रेक्षा का सामान्य स्वरूप क्या था वो बात ली, और इन 12 भावनाओं का जो इन 12 का जो क्रम है उसकी बात भी प्रारंभ की है, कि ये ही क्रम क्यों, ये क्रम किस प्रकार से बैठता है। ठीक है, तो वो वाली बात बताए, ये जो क्रम है इसमें कोई प्रकार की कृत्रिमता नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। सही रूप में भेद विज्ञान के प्रोसेस में भी यही क्रम होता है, तो इसी क्रम से भेद विज्ञान में भी ये क्रम सही योगी होता है या सही रहता है, तो उस अपेक्षा से बात हो रही थी। थोड़ा डिवीजन भी ये किया था कि शुरू की 6 भावना और बाद की 6 भावना, वैसे डिवाइड करके भी थोड़ा लिया है कि आखिरी की 6 भाव, शुरू की 6 वैराग उत्पादक है, बाद की 6 भावनाएं तत्व परक है, वो वाली बात भी ली। तो अभी लास्ट टाइम हमारा जब स्वाध्याय हुआ तब तक ये वाली बात हो गई थी कि शुरू की 6 भावनाओं में किस प्रकार से ये क्रम सहज रूप से चलता है, मतलब भेद विज्ञान के प्रोसेस में भी किस प्रकार से ये लिए ना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक था कि 12 भावनाओं में जो शुरू की चिंतन प्रक्रिया होती है 12 भावनाओं की, तो भी ये सहज रूप में यही क्रम रहता है, तो वो अभी बताया था। ठीक है, अब उसके बाद की बात हम पढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, ये आप ये दोबारा से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जिससे ये शुरू की 6 भावनाओं को जो क्रम यहाँ पे बताया वहां से हम कंटिन्यू कर पाए। देखें, शुरू से अनित्य भावना से लेते हैं। हाँ, अनित्य भावना में बताया जाता है कि जिन संयोगों में तू सदा रहना चाहता है वे क्षणभंगुर हैं, अनित्य हैं। पुत्र परिवार को और कंचन कामिनी तेरे साथ सदा रहने वाले नहीं, या तो तुझे छोड़कर चल देंगे, या फिर तू ही जब मरण को प्राप्त होगा तब वे सहज ही छूट जाएंगे। तो ये सबसे पहले अनित्य पना बताया, तो इस बात को सुनकर यह रागी प्राणी इनकी सुरक्षा के अनेक उपाय करता है। जब यह अपने मरण आदि को टालने के उपायों का विचार करता है, तब असरण भावना में यह बताया जाता है कि वियोग होना संयोगों का सहज स्वभाव है, उन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं, मणि मंत्र तंत्र नहीं जो तुझे या तेरे पुत्र आदि को मरने से बचा ले। तो सबसे पहले अनित्यपना बताया, तो जीव की टेंडेंसी होती है, मतलब इष्ट वियोग अनिष्ट योग से है? तो ये वहां से बचना चाहता है, इष्ट का संयोग बना रहे, अनिष्ट का वियोग बना रहे, अनिष्ट का वियोग बना रहे और इष्ट का संयोग बना रहे, तो उनकी सुरक्षा करना चाहता है। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है, जो संयोग है उनका वियोग होना निश्चित है, चाहे तो इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, वो हमारे हिसाब से नहीं हो पाएंगे। तो अनित्य की बात असरण भावना में बात बताई, तो आगे कहा, तब यह सोच सकता है कि ना सही है संयोग, दूसरे संयोग तो मिलेंगे ही। तब इसे संसार भावना के माध्यम से समझाते हैं कि संयोगों में कहीं भी सुख नहीं है, सभी संयोग दुख रूपी हैं। अब जब संयोगों की अनित्यता असरणता बताई, तो ये वाली बात आ गई कि भाई संयोग मिलेंगे तो सही, तो चलो संयोग मिलेंगे इसी आस में जीवन जीते हैं, तो भी संयोगों का मिलना और उससे सुख की आशा करना ये भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि संयोगों से कभी सुख प्राप्त होने वाला
नहीं है, उल्टी संयोगों में सुख की आशा दुख का ही कारण रहेगी। तो कहा सभी संयोग दुख रूपी हैं। तब मैं सोच सकता है कि मिलजुल कर सब भोग लेंगे। उसके उत्तर में एकत भावना में दृढ़ किया जाता है कि दुख मिल बांट कर नहीं भोग जा सकते, अकेले ही भोगना होंगे। दुख भी अकेले ही भोगा जाएगा और सुख भी अकेला ही भोगा जाएगा। ये बात यहाँ पे जैसे गई ना, एकत्व भावना में ये दृढ़ किया कि दुख मिल बांट कर नहीं भोग सकते, भोग जा सकते, अकेले ही भोगना होंगे। तो ये तो ऊपर जो संसार भावना के बारे में समझाया था, उसके माध्यम से समझाया था, वहां दुख होगा, इसलिए यहाँ पे बताया कि दुख अकेले भोगना होगा। यदि वास्तविक स्थिति देखी जाए तो जो दुख होगा वो भी अकेले भोगना पड़ेगा, जो सुख होगा वो भी अकेले ही भोगना पड़ेगा। दुख सुख भोगने में कोई भी अन्य जीव हमारा साथ नहीं दे सकता, वो वाली बात यहाँ पे। इसी बात को नास्ति से अन्यत्व भावना में दृढ़ किया जाता है कि कोई साथ नहीं दे सकता। जब वे शरीर ही साथ नहीं देता तो स्त्री पुत्र आदि परिवार तो क्या साथ देंगे। तो ये एकत्व और अन्यत्व का साथ में जोड़ना भी चलता है। और फिर लास्ट में कहा छठी भावना कि असुचि भावना में कहते हैं कि जिस देह से तू राग करता है वह देह अत्यंत मलिन है, मलमूत्र का घर है। तो यहाँ तक की बात हमारी हुई थी लास्ट में। अब इसके आगे हमको पढ़ना है, पढ़ते हैं देखिए। इस प्रकार आरंभ की छह भावनाओं में संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य उत्पन्न किया जाता है, जिससे आत्मा आत्महितकारी तत्वों को समझने के लिए तैयार होता है। इन भावनाओं में देहादि पर पदार्थों से आत्मा की भिन्नता का ज्ञान कराके वेद विज्ञान की प्रथम सीढ़ी भी पार करा दी जाती है। देखो, वेद विज्ञान के प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जहां पर से दृष्टि हटानी है और जहां पर दृष्टि लानी है वो दो दिखाई दें, और दो दिखने पर कोई एक रीजन तो मिले कि भाई यहाँ से दृष्टि क्यों हटानी है। जैसे आप देख तो किसी बच्चे को हम खिलाते हैं, उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो वो बच्चा तो किसी ना किसी चीज में वैसे ही मस्त है, किसी भी अपनी दुनिया में मस्त है। तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसका ध्यान वहां से हटाना भी जरूरी है। वहां से ध्यान हटाएंगे तब कहीं जाके आप अपने पास उसका ध्यान आकर्षित कर सकते हो। तो ये हमारे साथ है, हमारे जीवन में भी यही हो रहा है। दृष्टि अभी संसार, शरीर, भोगों में, मतलब वहां पर ही रुचि पड़ी हुई है, बहुत गहरी रुचि पड़ी है। तो वो गहरी रुचि को तोड़ने के लिए और आत्मा के प्रति रुचि जागृत कराने के लिए ये शुरू की छह भावनाएं कार्य कर रही हैं। संसार, शरीर और भोगों से वैराग उत्पन्न होगा, तो वहां से जब वैराग उत्पन्न होगा तो वहां से दृष्टि हटाने की वो मतलब तैयारी होगी, या फिर वहां से दृष्टि हटाने का प्रयास करेंगे तो हट पाएगा। तो वहां से दृष्टि हटेगी और फिर देहादि पर पदार्थों से आत्मा की भिन्नता का ज्ञान कराया जाएगा, और फिर भेद विज्ञान की प्रथम सीढ़ी तब पार होगी। आगे कह रहे हैं, जब ये आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से विरक्त होकर गुण पर्याय रूप निज द्रव्य की सीमा में आ जाता है, तब आश्रय भावना में आत्मा में उत्पन्न मिथ्यात्व आदि कषाय भावों का स्वरूप समझाते हैं। ये बताते हैं कि आश्रय भाव दुख रूप है, दुख के कारण है, मलिन है, और भगवान आत्मा सुख स्वरूप है, सुख का कारण है एवं अत्यंत पवित्र है। देखो, भेद विज्ञान की प्रथम सीढ़ी बताई ना, तो भेद विज्ञान की प्रथम सीढ़ी मतलब पर द्रव्य पर भाव, मतलब जो पर द्रव्य है वहां से भेद विज्ञान हुआ। पर द्रव्य मतलब जिनके साथ हमारा द्रव्य से संबंध नहीं है, मतलब द्रव्य से संबंध नहीं, मतलब जो हमारे द्रव्य गुण पर्याय के, जो हमारा स्वचतुष्टय है, स्वद्रव्य क्षेत्र का अलावा, उसके भी जो बाहर है, शरीर पुजगल द्रव्य, हम जीव द्रव्य, तो हमारी जीव द्रव्य की बाउंड्री के बाहर जो चीज है उसका ज्ञान इन शुरू की छह भावनाओं से हुआ। तो प्रथम सीढ़ी मतलब जो असद्भुत व्यवहार है, यदि न्याय की भाषा में देखें तो जो असद्भुत व्यवहार के विषय होंगे उन सभी से भेद विज्ञान कराया। और यहाँ पर आगे आश्रय भावना को देखें तो आश्रय हो गया
आत्मा की बाउंड्री में, बाउंड्री इन द सेंस सद्भुत व्यवहार है, लेकिन कैसा कि वो मलिन रूप है, मलिन पर्याय है तो आत्मा की बाउंड्री में, है तो आत्मा की पर्याय में, बाउंड्री मतलब आत्मा की दशा ही है, लेकिन वो दशा कैसी है, किस रूप में, कि वो अशुद्ध परिणमन है, मलिन परिणमन चल रहा है, विपरीत परिणमन चल रहा है, तो वो विपरीत परिणमन बता करके, उसका स्वरूप बता करके कि वह कैसा है, दुख रूप है, दुख का कारण है, स्वयं मलिन रूप है, और भगवान आत्मा की उससे भिन्नता बता करके, जो वर्तमान में स्थिति है वो, और वास्तविकता में आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है, त्रिकाल स्वरूप क्या है, वो तो वो बता करके उन दोनों के बीच में भेद विज्ञान करा, ये भी भेद विज्ञान है, ऊपर परद्रव्य से भेद विज्ञान करा है, यहाँ पे मलिन पर्याय से आत्मा का भेद विज्ञान करा है, समय सार जी में करा है ना, कर्ता कर्म भाव कर्ता कर्म अधिकार में, आश्रम अधिकार में, आश्रमों से भेद विज्ञान कराया, तो आश्रम भले ही आश्रम आत्मा की ही मलिन पर्याय है, लेकिन मलिन पर्याय होने पर भी वो स्वभावभूत ना होने से उससे भी भेद विज्ञान कराया। अब ये आश्रमों से दृष्टि हटेगी तो क्या होगा, तो अब देखो आगे कहते हैं, इस प्रकार आश्रमों से भी दृष्टि हटाकर संवर निजा भावना में अतीन्द्रिय आनंद में संवर निजा तत्वों का परिज्ञान कराते हैं, उन्हें प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। देखो क्या हुआ, जब आपने विपरीतता का ज्ञान कराया, मलिनता का ज्ञान कराया, तो मलिन सामने निर्मलता की पर्याय खड़ी हुई है, ये मलिन पर्याय है, और इससे विपरीत मतलब मलिन पर्याय से विपरीत ये दुख रूप है, तो इससे विपरीत सुख स्वरूप निर्मल पर्याय है, तो वो निर्मल पर्याय कौन सी है कि संवर निजरा जो तत्व है वो निर्मल पर्याय स्वरूप है, और उनकी यहाँ से हट करके, आशो से हट करके ये संवर निजरा रूप निर्मल पर्याय प्रकट करने की प्रेरणा इन दो भावनाओं के माध्यम से होती है। इसके बाद फिर लोक भावना में लोक का स्वरूप बताकर बोधि दुर्लभ भावना में यह बताते हैं कि इस लोक में एक रत्नत्रय ही दुर्लभ है और सब संयोग तो अनंत बार प्राप्त किए पर रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हुई, यदि हुई होती तो संसार से पार हो गए होते। अंत में धर्म भावना में यह बताते हैं कि अत्यंत दुर्लभ रत्नत्रय रूप धर्म की आराधना ही इस मनुष्य भाव का सार है, मनुष्य भाव की सार्थकता एकमात्र त्रिकालीय ध्रुव आत्मा के आश्रय से उत्पन्न सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति में ही है। तो आश्रमों से दृष्टि हटाई, संबंध को प्राप्त करने की प्रेरणा दी और लोक का स्वरूप बताया, लोक का स्वरूप बता करके बोधि दुर्लभ, बोधि मतलब रत्नत्रय, रत्नत्रय की प्राप्ति ही इस लोक में सारभूत कार्य है, रत्नत्रय की प्राप्ति करना, यदि वो नहीं किया तो संयोग आदि सभी अनुकूल प्रतिकूल संयोग सब प्रकार के संयोग अनंत बार प्राप्त किए और रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं की, इसलिए संसार अभी वर्तमान में विद्यमान है। तो उस मनुष्य भाव की मतलब मनुष्य भाव जो प्राप्त हुआ वो रत्नत्रय की प्राप्ति करने के लिए हुआ। अभी हम मनुष्य हैं तो हमसे ये बोला जाएगा कि मनुष्य भाव जो प्राप्त हुआ वो रत्नत्रय उत्पन्न करने के लिए, रत्नत्रय की प्राप्ति करने के लिए मिला हुआ। वैसे देखा जाए तो सभी संगी पंचेंद्रीय अवस्था में रत्नत्रय की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उपदेश किसको दिया जा रहा है वो ध्यान में रखकर। और एक और बात, मनुष्य भाव में रत्नत्रय की प्राप्ति के साथ साथ रत्नत्रय की पूर्णता भी इसी मनुष्य भाव में संभव है, अन्य किसी वहां समय दर्शन समय ज्ञान समय चार प्रकट तो हो रहा है लेकिन पूर्णता अन्य किसी भी गति में संभव नहीं है, इसीलिए भी मनुष्य भाव की दुर्लभता सार्थकता मानी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बारह भावनाओं की यह चिंतन प्रक्रिया अपने आप में अद्भुत है, आश्चर्यकारी है। क्यों? क्योंकि इनमें संसार शरीर और भोगों में लिप्त जगत को अनंत सुखकारी मार्ग में प्रतिष्ठित करने का सम्यक प्रयोग है, सफल प्रयोग है। यही कारण है कि बारह भावनाओं का चिंतन
आत्मार्थी समाज का सर्वाधिक प्रिय मानसिक दैनिक भोजन है। गलत मार्ग से हटा करके सही मार्ग में लगाने का कार्य और हमारा सही मार्ग हमको बारंबार याद दिलाने का कार्य की बारे भावनाएं करते हैं, भाई कहाँ पे हो, कहाँ और कहाँ पर अभी वर्तमान में किस मार्ग में हो, सही मार्ग क्या है, कहाँ चलना है, कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, वो सभी कार्य इसके माध्यम से हो रहा है। देखो संसार शरीर भोगों में लिप्त है, हाँ ठीक है, वहां से हट करके संवर निजादि को प्रकट करना है। ये सारा ज्ञान हमको बारह भावना के चिंतन से प्राप्त हो रहा है, बारंबार 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 चिंतन होगा। ये अभी पहले पढ़ गए ना कि बारंबार चिंतन कितना जरूरी है, इसलिए ये कह दिया कि बारह भावनाओं का चिंतन आत्मार्थी समाज का सर्वाधिक प्रिय मानसिक दैनिक भोजन है। और एक और बहुत अच्छी शब्द कहे, अनंत सुखकारी मार्ग में प्रतिष्ठित करने का सम्यक प्रयोग और सफल प्रयोग है। सही रास्ता भी है और सफल रास्ता भी है, क्यों? क्योंकि भाई अनादि काल से लेकर के आज तक जितने भी जीव इस मार्ग को प्राप्त हुए हैं, मुनि अवस्था को धारण करके मोक्ष पथ को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने बारह भावनाओं का प्रयोग किया है और सफल हुए हैं, इसीलिए सफल प्रयोग है। सफल प्रयोग है मतलब सफल, इसका प्रयोग करके फल की प्राप्ति हुई है, मोक्ष की प्राप्ति हुई है अनंत जीवों को, अनंत सिद्ध हुए सभी को। एक गाथा भी आई थी पहले कि जिसमें बताया था कि आचार्य कुनकुन देव के आए थे ना कि जितने भी आज तक जीव सिद्ध हुए हैं होंगे वो सभी इस बारह भावनाओं के प्रभाव से है। देखो ये भूतकाल में जितने श्रेष्ठ पुरुष सिद्ध हुए हैं और भविष्य में भी जो भव्य जीव सिद्ध होंगे वह सब इन बारह भावनाओं का ही महात्मा है। पहले आई थी तो ये इसीलिए सफल प्रयोग है, समय प्रयोग है, ये सब यहाँ पे लिए। देखिए आगे बढ़ते हैं, यद्यपि इन बारह भावनाओं का चिंतन ज्ञानी अज्ञानी सभी के लिए समान रूप से हितकारी है, तथापि इनका सम्यक स्वरूप न जान पाने के कारण अज्ञानी जन लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक उठाया करते हैं। ये तो देखो ये हमेशा ही आपने समझा भी होगा, अपने जीवन में भी देखा होगा, जिसके द्वारा हम लाभ उठा सकते हैं लेकिन उसका सम्यक ज्ञान हमको ना हो और किसी अन्य जीव को उसका सही ज्ञान हो, उसको किस प्रकार से प्रयोग किया जाए ये पता हो तो वही लाभ उठा सकता है, और ये नहीं पता हो तो उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। तो वही बात कह रहे हैं कि बारह भावना का चिंतन तो लाभकारी है, हितकारी ही है, लेकिन उसका सही स्वरूप पता ना हो तो भी लाभ के स्थान पर हानि ही हानि हो जाएगी। मतलब किस रूप में होती है तो कहते हैं, पहले शरीर आदि संयोगों को भला जानकर उनसे अनंत अनुराग करते थे। पहले क्या स्थिति थी कि उनको भला जानकर उनसे अनुराग करते थे, पर जब यह बारह भावनाओं में निरूपित शरीर आदि संयोगों की अनित्यता, असरणता, असारता, असुचिता आदि दोषों को जान लेते हैं तो उनसे द्वेष करने लगते हैं। पहले राग रूप प्रवर्तन चल रहा था, द्वेष रूप प्रवर्तन चालू हो गया। बारह भावनाओं के चिंतन का सच्चा फल तो वीत राग का है, उसकी प्राप्ति उन्हें नहीं हो पाती। क्या हुआ कि भाई पहले राग होता था किन से, संसार शरीर भोग, शरीर भोगों से, ठीक है, भोगों के प्रति, भोगों के जो विषय है, पंचेंद्रिय के विषय है, उनके प्रति पहले राग बुद्धि चलती थी। अब जब बारह भावनाओं को पढ़ा, अनित्यता जानी, असरणता जानी, असारता जानी, असुचिता जानी, तो अब क्या हो गया, अब लाभ की जगह अब उनसे राग की जगह द्वेष बुद्धि जागृत हो, और द्वेष बुद्धि जागृत हो गई तो जो फल प्राप्त होना था वीत राग था, उसकी प्राप्ति कभी हो ही नहीं पाती। अब इसी बात को मोक्ष मा प्रकाशक की भाषा में बता रहे हैं आचार्य
टोडामल जी की भाषा में। देखिए, इस संदर्भ में आचार्य कल पंडित टोडामल जी का निम्नांकित कथन दृष्टव्य है। अनित्य आदि चिंतवन से शरीर आदि को बुरा जान, हितकारी न जानकर उनसे उदास होना उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। कौन? अज्ञानी। किसको? बुरा जानना, हितकारी नहीं जानना, मतलब अहितकारी जानना, उनसे उदास हो जाना, मतलब बुरा द्वेष बुद्धि। देखो आप यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि द्वेष बुद्धि पूर्वक चिंतन चल रहा है। अनित्य आदि चिंतन से शरीर आदि को बुरा जान, हितकारी न जानकर उनसे उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। भाई, उदासीन बुद्धि होना अलग बात है और बुरा जानकर और हितकारी न जानकर उदासीन होना अलग बात है। दो बातों में अंतर है ना, कि भाई एक तो उदासीन बुद्धि, ठीक है, उसका स्वरूप समझ करके उदासीन होना, और दूसरा भाई ये हमारे काम के नहीं है, ये उनको बुरा जाना और फिर बुरा जान करके उदासीन। तो इसको पंडित जी उदाहरण देके बता रहे हैं। सो यह तो जैसे कोई मित्र था, तब उससे राग था, पश्चात उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ। उसी प्रकार शरीर आदि से राग था, पश्चात अनित्य आदि अवगुण अवलोक कर उदासीन हुआ, परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। कैसी? जब स्वरूप का ज्ञान नहीं किया और अकेले अवगुण देखे। अवगुण मतलब यहाँ पे अनित्य आदि भावना समझना, तो अनित्यता देखी, असरणता देखी, तो अनित्यता असरणता देख करके स्वरूप नहीं समझा, द्वेष रूप उदासीनता है। अब बता रहे हैं कि सच्ची अनुप्रेक्षा कैसी होनी चाहिए थी। ये तो अज्ञानी की अनुप्रेक्षा हुई, जिसमें वो स्वरूप नहीं जान करके उल्टा बुरा जान करके उदासीन हुआ था। और वास्तविकता में कैसा होना चाहिए कि अपना और शरीर आदि का जहाँ जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर, भ्रम को मिटाकर भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना। ऐसी सच्ची उदासीनता के अर्थ यथार्थ अनित्वादिक का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। देखो, ये सच्चे झूठे में क्या फर्क पड़ा? भाई झूठी उदासीनता या द्वेषी उदासीनता तो बिल्कुल वैसी है जैसा पहले स्वीकार करता था। पहले उनसे राग रूप प्रवृत्ति चलती थी, अब उनसे द्वेष रूप प्रवृत्ति चलने लगी। तो इसमें तो कसाय की ही वृद्धि, मतलब कसाय की जाति बदल गई। पहले राग रूप कसाय चल रही थी, अब द्वेष रूप कसाय चलने लगे। स्वरूप तो अभी भी ख्याल में नहीं आया, और ऐसा होने पर जिस मार्ग पे लगना चाहिए था उस मार्ग पे भी नहीं लगे, तो वो वितरागता का फल भी प्राप्त नहीं हुआ। तो स्वरूप समझ करके अपना शरीर आदि कर, दोनों का स्वरूप समझ करके वैसा पहचान करके, जब स्वरूप समझा तो जो भ्रम बैठा हुआ था वो दूर होगा, और भ्रम दूर होगा तो फिर ना तो उन्हें भला जाने का ना ही बुरा जाने का, तो राग द्वेष नहीं होगा, और फिर इस रूप में सच्ची उदासीनता होगी। उदासीनता अकेले राग का भाव नहीं, राग और द्वेष दोनों के अभाव रूप उदासीनता होती है। वो बात यहाँ पे देखिए आगे कह रहे हैं, सभी प्राणी बारह भावनाओं का सच्चा स्वरूप समझकर अपना आत्महित करें, इसके लिए प्रत्येक भावना का विस्तृत अनुशीलन आवश्यक है, अपेक्षित है। अतः स्व पर हित के लिए बारह भावनाओं के पृथक पृथक अनुशीलन के संकल्प के साथ विराम देता हूँ। ये तो इस चैप्टर को पूरा करते हुए बताया कि भाई बारह भावना का स्वरूप सही समझना इसीलिए आवश्यक है कि भाई हम मानते तो हैं कि हम बारह भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन किस रूप में कर रहे हैं भाई? यदि आप उनको द्वेष रूप या बुरा जान रहे हो, तो फिर तो शरीर को बुरा जान करके वहां से उदासीन हो रहे हो, संयोगों को बुरा जान करके वहां से उदासीन हो रहे हो, तो भाई ये तो द्वेष रूप उदासीनता है। तो स्वरूप समझ करके आत्महित की भावना से स्वपर का स्वभाव समझ करके फिर उदासीनता जो होगी, उदासीनता होगी मतलब राग द्वेष बुद्धि नहीं होगी, उसका नाम ही उदासीनता है।
सही स्वरूप समझेंगे तो आत्महित होगा, तो इसलिए यहाँ पे इस बात के साथ ही विराम लिया और आगे मतलब आगे प्रत्येक भावना के बारे में अलग अलग पृथक पृथक रूप से लिखने का यहाँ पे संकल्प लिया। ठीक है, ये और पढ़ लेते हैं ज्ञानी और अज्ञानी। मैं सोच रहा हूँ कि अनित्य भावना की बात हम कल से प्रारंभ कर लेंगे, अभी ये पढ़ लेते हैं। देखिए, ज्ञानी और अज्ञानी। नमोकार मंत्र पढ़ने से कभी किसी धर्मात्मा की रक्षा करने देवता आ गए थे, यह पौराणिक आख्यान सत्य हो सकता है, इसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नमोकार मंत्र पढ़ने से किसी जीव की रक्षा हुई, ऐसे पौराणिक आख्यान ऐसी घटनाएं हमने पढ़ी भी है, तो इसमें किसी प्रकार से कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, इसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं। पर इससे यह नियम कहाँ से सिद्ध होता है कि जब जब कोई संकट में पड़ेगा और वह नमोकार मंत्र बोलेगा तब तब देवता आएंगे ही, अतिशय होगा ही। ये नियम रूप से आप फिर ऐसा मान लो कि भाई जब जब भी हमारा कोई संकट आया तो संकट दूर करने के लिए नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे या नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो कोई देवता आ जाएंगे, अतिशय होगा और हमारा संकट दूर हो जाएगा, ये नियम नहीं बन सकता। आगे कह रहे हैं, शास्त्रों में तो मात्र जो घटा था उस घटना का उल्लेख है, उसमें यह कहाँ लिखा है कि ऐसा करने से ऐसा होता ही है, मतलब नियम नहीं बताया सर। यह तो इसने अपनी ओर से समझ लिया है, अपनी समझ पर भी इसको विश्वास कहाँ है, होता तो आकुलित क्यों होता, भयाक्रांत क्यों होता, दोनों तरफ से मतलब कुर्सी के दोनों पैर चारों पैर खराब है। भाई पहले तो समझ ही गलती कि भाई हमारे अमोकार मंत्र के पढ़ने से हमारे संकट दूर होंगे पहली बार, और दूसरी ऐसा यदि मानता भी हो तो ऐसा मानने पर फिर भी भय आकुल मतलब भय विद्यमान है, आकुलता विद्यमान है, तो बोले भाई जो तुमने स्वीकार किया है जैसे तुम मानते हो तो वो भी तुम सही तरीके से, या तुम्हें उसमें पूरा विश्वास कहाँ रहा, हम तो फिर उसके बाद भी आकुलित और भय मतलब भयाक्रांत हो, ये अज्ञानी की स्थिति बताई। अब बता रहे ज्ञानी भी नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, शांत भी है, पर उसकी शांति का आधार नमोकार मंत्र पर यह भरोसा नहीं कि हमें बचाने कोई देवता आएंगे। नमोकार मंत्र तो वह सहज ही अशुभ भाव से तथा आकुलता से बचने के लिए बोलता है। नमोकार मंत्र का उच्चारण, नमोकार मंत्र में आए हुए पंच प्रमिष्टि का स्वरूप का ध्यान करना, वो करने पर अशुभ भाव नहीं होते, शुभ भाव रूप प्रवर्तन चल रहे हैं, आकुलता दूर होती है, तो वो आकुलता दूर हो रही है, आकुलता उत्पन्न ही नहीं हो रही है, दूर हो रही है मतलब कोई थी दूर हो रही ऐसे नहीं, जिस समय नमोकार मंत्र का उच्चारण या उसकी स्मरण कर रहे हैं तो उस समय आकुलता उत्पन्न ही नहीं हो रही, तो आकुलता का उत्पन्न नहीं होना ही वो लाभ है। उसमें ये नहीं मानना कि भाई नमोकार मंत्र का पाठ करने से हमारा कोई हमको बचाने आएगा कुछ, वो तो प्रथमालिंग में कोई ऐसी कहानी या घटनाएं हैं जो ऐसा हुआ था, तो वो देखो हमारे संकट का आना और संकट का दूर होना हमारे पुण्य पाप से रिलेटेड है, यदि पुण्य का उदय होगा तो उस अनुसार कार्य होगा, और पुण्य का उदय नहीं होगा तो किसी भी प्रकार से वैसा कार्य होने वाला नहीं है, हमको हमारे परिणामों का विचार करें, उनको संभालने का प्रयास करें, ये बात यहाँ पे ध्यान दिलाई गई। ठीक है, तो इस तरह पहला जो इसका चैप्टर है अनुप्रेक्षक अनुशीलन वो हुआ। अब कल से हम अनित्य भावना पे जो अनुशीलन है वो पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अभी इतना ही, जिनवाणी स्थिति जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूं जो नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो अर्याणम नमो ध्यानम नमो लेसावणम नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो अर्याणम नमो ध्यानम नमो लेसावणम नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो अर्याणम नमो ध्यानम नमो लेसावणम।
संसावनम नमो निंतायनम नमो सुधानम नमो आर्यनम नमो क्षणम नमो देशम सावनम नमो निंतायनम नमो सुधानम नमो आर्यनम नमो क्षणम नमो देशम सावनम नमो निंतायनम नमो सुधानम नमो आर्यनम नमो क्षणम नमो देशम सावनम नमो निंतायनम नमो सुधानम नमो आर्यनम नमो क्षणम नमो देशम सावनम नमो निंतायनम नमो सुधानम नमो आर्यनम नमो क्षणम नमो देशम सावनम नमो निंतायनम नमो सुधानम नमो आर्यनम नमो क्षणम नमो देशम सावनम कुलयंत्रम सुत्रवन सर्वजनेन भगवंतों की जय हो द्वासं विद्वानी माता की जय हो समस्त वितरागे संतों की जय हो अहिंसा मय जैन धर्म की जय हो सभी को सादर जय।